सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तजिये और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। स्पेस एक्स अपनी पाँचवीं स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट टेक्सस से लॉन्च कर ली है। इसमें पहली बार रॉकेट के पहले यानी फर्स्ट स्टेज बूस्टर को ज़मीन पर वापस लाया गया है। ये एक बिल्कुल नया रिकवरी मेथड है जिसमें बड़े मैकेनिकल आर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं रॉकेट का सुपर हैवी फर्स्ट स्टेज बूस्टर 7:25 पर उठा और दूसरे स्टेज स्टारशिप रॉकेट को खला में भेजा गया। इसकी मंजिल ऑस्ट्रेलिया के मगरब में इंडियन ओशन थी, जहाँ से एटमॉस्फेयर में दोबारा दाखिल होने और पानी में लैंडिंग करने की कोशिश की गई थी। नाज़रीन, ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। जो ये स्टारशिप है उसकी कुल लंबाई 121 मीटर है और ये रॉकेट जो अभी खाली है वो मेक्सिकन सी के ऊपर से गुजरा, जैसे पिछले साल स्टारशिप भी गुजरे थे, लेकिन वो सब या तो लॉन्च के फौरन बाद या समंदर में गिरने के दौरान तबाह हो गए थे। जून में आखिरी फ्लाइट सबसे ज़्यादा कामयाब रही थी जो बग़ैर किसी धमाके के मुकम्मल हुई थी और इस बार एलन मस्क ने चैलेंज और ख़तरे को बढ़ा दिया है जब उनकी कंपनी ने पहले स्टेज बूस्टर को वापस उसी पैड पर लैंड कराया जहाँ से वो 7 मिनट पहले उड़ा था। स्पेसएक्स के डैन ह्यूट ने लॉन्च साइट के करीब जोश में कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, मैं अभी कांप रहा हूं। स्पेसएक्स के हेडक्वार्टर में केट टाइस ने कहा ये इंजीनियरिंग की तारीख का एक बहुत ही अहम दिन है। फ्लाइट डायरेक्टर को रियल टाइम में मैनुअल कंट्रोल के साथ फैसला करना था कि लैंडिंग की कोशिश की जाए या नहीं। स्पेसएक्स ने कहा कि बूस्टर और लॉन्च टावर दोनों की हालत अच्छी और मुस्तहकम होनी चाहिए। नाज़रीन, स्पेसएक्स ने यह भी कहा कि उनके इंजीनियर्स ने सालों तक तैयारी की और महीनों तक बूस्टर कैच की कोशिश के लिए टेस्टिंग की और टेक्नीशियंस ने कामयाबी के इम्कानात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हज़ारों घंटे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाए। टीम्स मॉनिटर कर रही थी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि गाड़ी और टावर दोनों पर हज़ारों मयार पूरे हो रहे हैं। अगर हालात मुनासिब ना होते तो बूस्टर को खलीज मेक्सिको में लैंड करने के लिए भेज दिया जाता, जैसे कि पिछले टेस्ट में हुआ था। स्पेस एक्स ने अपने छोटे फाल्कन 9 रॉकेटों के पहले स्टेज बूस्टर्स को 9 साल से रिकवर कर रहा है जब वो फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया से सैटेलाइट्स और अमले को मदार में पहुंचाते हैं, लेकिन वो समंदर में तैरते प्लेटफॉर्म्स पर या अपने लॉन्च पैड से कई मील दूर कॉन्क्रीट की स्लैब्स पर लैंड करते हैं, ना कि इनके बीच में। फाल्कन बूस्टर को दोबारा इस्तेमाल करने से लॉन्च की रफ्तार बढ़ गई है और स्पेसएक्स को लाखों डॉलर बचाने का मौका मिला है। नाज़रीन, अब यहाँ इस पॉइंट पर एलन मस्क का इरादा स्टारशिप के साथ भी यही करने का है जो अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट है जिसमें सिर्फ बूस्टर पर 33 मीथेन फ्यूल इंजन है। नासा ने इस दहाई के आखिर में खलाबाजों को चांद पर उतारने के लिए 2 स्टारशिप्स का ऑर्डर दिया है। स्पेसएक्स का इरादा स्टारशिप को लोगों और सामान को चांद पर भेजने और आखिरकार मरीख पर भेजने के लिए इस्तेमाल करने का भी है। स्पेसएक्स की कामयाबियों के बावजूद इसका बुनियादी विजन इंसानियत को एक मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज बनाने का था, लेकिन अब ये खतरे में है। इसकी वजह मस्क का रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करना और दाएं बाजू की सियासत से खुर्बत है। हाल ही के कुछ हफ्तों में कंपनी ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लॉन्च लाइसेंसिंग और मुबैना खिलाफ वर्जियों पर खुलेआम तनाज़ा किया था और मस्क ने एजेंसी पर ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगाया था और उसने एजेंसी के सरबराह का इस्तीफ़ा भी मांगा था। नाज़रीन, स्पेसएक्स की कामयाबियों ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने का मौका दिया है जो आफात और जंगी इलाकों में बेहद कीमती है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं और यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में स्पेसएक्स किस तरह अपनी टेक्निकल जो उनके सक्सेसेस हैं और जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उसके दरमियान तवाजुन बरकरार रखती है। स्पेस ट्रैवल का कुछ कॉन्टेक्स्ट है। स्पेस ट्रैवल की सबसे ज़्यादा जब उसमें डेवलपमेंट हुई थी वो तब थी जब रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों कोशिश
कोशिश कर रहे थे कि चांद पे कौन पहले जाएगा, लेकिन वंस अमेरिका लैंडेड ऑन द मून एंड देन रशिया इवेंचुअली आल्सो डिड, तो ये स्पेस रेस वहीं ख़त्म हो गई थी। उसके बाद स्पेस में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं सकी और ज़्यादातर साइंसदानों का ये मानना था कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक कमर्शियल अफोर्डेबल तरीका निकालना जो स्पेस में जाया जा सके, जिससे एक्सप्लोरेशन भी बढ़ेगी, साइंटिस्ट को भी लेकर जाया जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स का भी आना जाना आसान हो जाएगा। Absolutely. और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि एक रिकवरेबल रॉकेट बनाना, yes, क्योंकि स्पेस ट्रैवल में जो मेजॉरिटी एक्सपेंस है वो ये है कि रॉकेट एक दफ़ा दुनिया से जब उड़ जाता है तो वो वापस नहीं आता। अब अच्छा, पहली दफा मुझे आपसे आपको सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आपने उसका पूरा एक मंजर बताया, एक पस मंजर एक बहुत इंटरेस्टिंग है पूरी स्पेस की उसका, आप मुझे बता सकते हैं ये इतनी एक रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, इसकी आगे के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? इनफैक्ट 1990 से 1980 से जब आप साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि जैसे स्पेस एलिवेटर, स्पेस एलिवेटर का कॉन्सेप्ट इस तरह का था कि कोई इतनी बड़ी इमारत बनाई जाए कि जिसके टॉप फ्लोर से रॉकेट्स लॉन्च करना और आसान हो जाए और शायद उससे स्पेस ट्रैवल की अफोर्डेबिलिटी में भी अफेक्ट हो और ज़्यादा कम प्राइस पे हम स्पेस पे लोगों को और लोड्स को भेज सकें। असल में नाजरीन स्पेस में जाने का सबसे बड़ा मसला यही है कि ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और अगर आप एक दो बंदों को ले भी जाएं तो अगर आप उनके साथ उनका सारा सामान भी लेकर जा रहे हों तो डिफरेंट लोड्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइस अचानक से बढ़ जाती है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वैसे तो साइंस फिक्शन में और साइंटिस्ट की डिबेट्स में डिस्कस होते रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा आज दुनिया में एक रिकवरेबल रॉकेट मौजूद है कि जो स्पेस में जाने के बाद वापस भी आ सकता है। ये एक्चुअली स्पेस ट्रैवल के लिए एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है, स्पेशली क्योंकि प्राइवेट स्पेस ट्रैवल शुरू हो चुका है और उसको कमर्शियली अफोर्डेबल बनाने से ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। अच्छा, मुझे आपसे यहाँ एक और सवाल पूछना है कि अभी कुछ माह पहले आपको याद होगा स्टारलिंक दो एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया था और वहाँ पे फंस चुके हैं। डू यू थिंक दैट रिकवरेबल रॉकेट्स कैन हेल्प अस टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन? बिल्कुल मुइस, आई थिंक ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त जो रॉकेट्स बनते हैं वो इस पर्सपेक्टिव से बनते हैं कि ये जाएंगे तो ये सेम रॉकेट वापस नहीं आएगा, एंड विच इज़ वाई हमने ये भी देखा कि स्टारलिंक में भी काफ़ी मसाइल थे और अक्सर जो स्पेस ट्रैवल होती है वो इंतहाई अनसेफ हो जाती है इस वजह से, क्योंकि रॉकेट्स को उस नज़रिए से नहीं बनाया जाता कि ये प्रोलॉन्ग्ड तौर पे यूज़ किया जा सके या ये बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो वापस आ सकें। लेकिन अब कंसिडरिंग के ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द रॉकेट मेकिंग प्रोसेस, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हद तक ये मसला भी सॉल्व होगा। आई थिंक दिस इज़ एन एक्सेलेंट डेवलपमेंट और इससे जो है टेक्नोलॉजी को इस टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल एज वेल एज ह्यूमन फ्रेंडली बनाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी, एंड आई गेस दैट दिस इज़ अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप। और नाज़रीन को हम इस हवाले से मजीद भी आगाह करते रहेंगे बिकॉज टेक्नोलॉजी इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग डेवलपमेंट दैट वी वुड लाइक टू कीप एन आई ऑन। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे SCO समिट के बारे में। आज इस्लामाबाद सजा हुआ है और इस्तकबाल के लिए तैयार है और कई ऐसे डिग्नेटरीज ऑलरेडी आ चुके हैं, जयशंकर साहब आ चुके हैं, रशिया की भी एक बहुत ही हैवी डेलीगेशन आ चुकी है। क्यों ना आप हमारे नाज़रीन को जरा और डिटेल्स बताएं कौन से गेस्ट आ गए हैं और मजीद किन की तवक्का है? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो चाइना के वजीर आज़म 11 साल के बाद पाकिस्तान पहुंचे, जहां उनका कल शानदार इस्तकबाल किया वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उनको नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया और फिर उसके बाद उनको वजीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और उसके बाद वफूद की सतह पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा अहम अग्रीमेंट्स हुए हैं। इसी तरह आज के दिन मजीद डेलीगेशन भी आते रहेंगे और ये पूरे खित्ते और स्पेशली हमारे मुल्क लिए बहुत बड़ा इवेंट है और हम पूरी कौम की जानिब से और हम अपनी जानिब से भी तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं और हमें उम्मीद है कि वो जो है पाकिस्तान की जो रिवायती जो हॉस्पिटैलिटी है उससे लुत्फानंदोज़ होंगे और इस उम्मीद के साथ कि इस SCO समिट से चाहे वो इकोनॉमिक जो आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी के मामलात हो एंड स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ की या डेवलपमेंट की बात होती है वहाँ टेक्नोलॉजी का जिक्र बड़ा अहम है और SCO बेसिकली एक नाज़रीन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अगर इस पे मजीद काम हो तो वो बाकायदा यूरोपीय यूनियन का हम पल्ला हो सकता है और वो बेसिकली वेस्टर्न जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक है कि तमाम वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं चाहे वो उनके अपने सिक्योरिटी के मामलात हों या अपनी मईशत के मामलात हों। इस तरह SCO समिट पे पूरा पोटेंशियल है कि वो भी इसी तरह काम कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इन्हीं लाइंस पे जो है इंशाल्लाह कल इसका जब आलामी आएगा 16 तारीख को तो देखेंगे कि इस हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का
क्या इसका आउटकम रहा है, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट फॉर द रीजन एंड फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ, और हमें इससे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। जैसे कल गवादर एयरपोर्ट का बाकायदा इफ्तिताही तकरीब हुई वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ चीनी वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। तो इस तरह के जो एसियो ममालिक के जो तावन है, इससे हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ममालिक के जो बेसिकली तमाम एसियो के ममालिक हैं उनके माबैन और उनकी आवाम के माबैन, एक तो पीपल टू पीपल कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी होगा, एंड जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे उस पर काफ़ी तेज़ी से काम होगा। यहाँ ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि एसियो समिट से एक बहुत ज़्यादा पोटेंशल है ओबोर के फाइनल स्टेज पर पहुंचने की। ओबोर इज़ बेसिकली द लार्जर अम्ब्रेला जिसके अंदर सीपैक जैसे इनिशिएटिव्स आते हैं, वन बेल्ट वन रोड। चाइना की असल में एक विजन है कि वो ईस्टर्न, काफ़ी मिडल ईस्टर्न और यहाँ साउथ एशियन, ये सारी जो बेल्ट है हमारी एशिया में, इनको इकट्ठा करे, सिमिलर पेज पर लाए। इसके कई फ़वाद हैं, एक तो ये कि यूरोपियन यूनियन की तरह अगर हमारे रीजन में भी एक इस तरह की रीजनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ना कि सिर्फ इकॉनमी और ट्रेड में बेहतरी आएगी बल्कि आपस में लोगों की रिश्तेदारियों में भी बेहतरी आएगी। कि जैसे हम देखें इंडिया और पाकिस्तान के जो तनाज़ात हैं उन सबको साइड पे करके आज जयशंकर मौजूद हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ आपको बताते चलें कि एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत खुशखबरी की बात यह भी है कि कई ऐसे भारतीय और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो आपस में दोस्त थे और कई सालों से नहीं मिले थे, उन्हें देखा जा रहा है वाघा बॉर्डर पर तस्वीरें खिंचवाते हुए, इस बात को सेलिब्रेट करते हुए कि हमारी हिस्ट्री में ऐसा अक्सर होता रहता है। बरकत दर्ज जैसे सीनियर साथी भी आए हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो इससे तमाम ममालिक में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और बेहतर होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा मौका था जहां नरेंद्र मोदी अगर आते तो शायद जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पे जरूर, लेकिन वही जो पॉलिसी नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ जो एक सिलसिला एक चलता रहा है। साहब ने भी ये रिग्रेट किया है कि नरेंद्र मोदी नहीं आए, तो उन्होंने काफी इस पर अपनी सैडनेस का इजहार किया है। वो अगर आते तो इसका पाकिस्तान हिंदुस्तान के माबैन मामला बेहतर होने का भी कुछ चांस था, क्योंकि पाकिस्तानी साइड से तो हमेशा हिंदुस्तान को बहुत ओपन आर्म्स के साथ खुश आमदीद कहा गया। एंड व्हाट इज वेरी नोटेबल टू मेंशन इज कि इस दफा सऊदी वफ़ भी एक खसूसी शिरकत करे एससीओ में, तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट है नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान के पास गवादर और कराची पोर्ट जैसी बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से आप मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, और सऊदी अरब विजन 2030 के तहत अपनी इकोनॉमी को ऑयल से निकाल के डाइवर्सिफाई करने का सोच रहा है, तो पाकिस्तान कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन द एससीओ कंट्रीज एंड द मिडिल ईस्ट, जहाँ की सबसे बड़ी इकोनॉमी बिलाशुबा सऊदी अरेबिया है। और दूसरी तरफ आई थिंक ये एससीओ जैसे इदारे अगर ये स्पेयरहेड करें एक रीजनल मूवमेंट जिसके बाद रीजनल कोऑपरेशन जो है वो एक्चुअली सही मायनों में पॉसिबल हो जाए, तो इसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका की जो एक इंपीरियलिस्ट हेजेमनी है पूरी दुनिया में, कि अमेरिकन लॉबी के खिलाफ आप कुछ कह नहीं सकते, ज़ायनिस्ट के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, यूरोपियन यूनियन अमेरिका एक साथ इकट्ठे होके इस तरह के इंपीरियलिज्म कर रहे हैं दुनिया में कि उनको रोकने के लिए कोई पावर मौजूद नहीं है, यूनाइटेड नेशंस खुद उनके मातहत काम करता है। तो अगर हम इस एससीओ को एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ता हुआ देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक इसमें बेपना पोटेंशियल है, और अगर हम इस पोटेंशियल को प्रॉपरली यूटिलाइज करने की तरफ गए तो ये पूरे खित्ते और हमारे मुल्क के लिए तरक्की का एक नया बाब खोलेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन इस उम्मीद के साथ ये समिट भरपूर कामयाबी से मुकम्मल होगा, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। नाज़रीन ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से स्पेस एक्स ने स्पेस ट्रैवल को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, और हमने आपको एससीओ समिट से कुछ अपडेट्स दी थी, लेकिन अब हम बात करेंगे एक बहुत ही तश्वीशनाक इशू के बारे में, इसराइल के बारे में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन में क्लेम किया है कि IDF ने सिस्टमेटिकली फलस्तीनियंस को एज ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल किया है। जी नाज़रीन, इस तहकीक में पता चला है कि इसराइल फ़ौज गज़ा में फ़लस्तीनी शहरियों को इंसानी ढाल, ह्यूमन शील्ड के तौर
तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यह अमल ना सिर्फ बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि इसराइल के अपने कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजियों ने फलस्तीनी कैदियों को जानलेवा खतरात का सामना करने पर मजबूर किया और ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो खुद को महफूज रख सकें। ये एक ऐसा अमल है जो इंसानियत के खिलाफ है और इससे इसराइल की फौज की हकीकी शक्ल सामने आती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, दिस इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और नाज़रीन, ये इंतहाई हैरान कुन इंकशाफ है कि इजरायली फौज ने कम से कम 11 दस्तों में गजा के 5 शहरों में यह अमल किया और इसमें इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान भी शामिल थे, जहाँ पर फलस्तीनी कैदियों को ऐसी जगहों की छानबीन करने पर मजबूर किया गया जहाँ इजरायली फौज को शक था कि हमास के जंगजुओं ने जो वहाँ पे कोई बारूदी सरंगें बिछाई हुए हैं। ये नाज़रीन अमल अक्टूबर में, जब 7 अक्टूबर को जंग का आगाज़ हुआ था, उससे बतरजीह बढ़ता गया है और ये जाहिर करता है कि इसराइल ने इस जंग में अपनी तमाम इखलाकी हदूद पार कर दी हैं और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मुझे इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी हैरान कन तफसीलात भी सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर कैदियों को सुरंगों के नेटवर्क में जाने और वीडियो बनाने पर मजबूर किया गया जहां फौजियों को शक था कि जंगजू छुपे हो सकते हैं। उन्हें ऐसी इमारतों में दाखिल होने पर भी मजबूर किया गया जो बारूदी सुरंगों से भरी हुई थी। ये सब कुछ इसराइली फौजियों को ख़तरे से बचाने के लिए किया जा रहा था और ये इंसानी हकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इससे पता चलता है कि इसराइल फ़लस्तीनी ज़िंदगी को कोई अहमियत नहीं देता। और यहाँ ये भी नाज़रीन को बताते चलें कि इनमें कई ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं, इनोसेंट थे। उनका कोई इस तरह के चार्जेस भी उन पर लेवी नहीं किए गए। इनफैक्ट एक 17 साल के बच्चे का भी यहाँ पर जिक्र है जो अभी तक इसराइल की क़ैद में है और उसने 17 साल की उम्र में इसराइल के लिए इस तरह के एक्शंस में पार्टिसिपेट किया। आई थिंक टू वेपनाइज बेगुनाह लोगों को जिस तरह एक जंगी आलात के तौर पे यूज़ किया, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 इजरायली फौजियों से इंटरव्यू किया जिन्होंने इस अमल को मामूल का बताया। अब अरीबा, आप देखें, इतनी एक कोई शर्मनाक बात है कि इतनी इंतहाई ग्रेव ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस करार दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी ताज्जुब की बात है कि ये तो चलें ये 7 फौजी हैं जिन्होंने बता दिया, लेकिन ऐसे कई फौजी होंगे जिन्होंने इस अमल में पार्टिसिपेट किया होगा एंड ऑब्वियसली उन्होंने कभी रिवील भी नहीं किया। एब्सोल्युटली। और नाज़रीन, इस तरह की मुनज़्ज़म पॉलिसी जो है टू यूज़ पीपल एज ह्यूमन शील्ड, इससे ये वाज़े होता है कि इसराइली फौज में आला सतह पर भी इंसानियत की कोई परवाह नहीं की जाती और वह काफ़ी क्लियर है जो उनके अमल रहा है पिछले एक साल का। 1948 से जो इसराइली फोर्सेस का अमल रहा है वह दिखाता है कि ह्यूमन राइट्स को उनके आगे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ये एक ऐसा सिस्टमैटिक मसला है जो इसराइली फौज को पूरी साख में मौजूद है। इससे भी ज़्यादा परेशान कन बात यह है कि इजरायली फ़ौज ने 2000 की दिहाई के शुरू में भी इस तरह का अमल किया था जिसे पड़ोसी तरीक़ेकार कहा जाता था। इसमें फ़ौजी फ़लस्तीनी शहरियों को जंगजुओं के घरों में जाने पर मजबूर करते थे ताकि वो उन्हें हथियार डालने पर राज़ी कर लें। 2005 में इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीक़ेकार पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन लगता यह है कि फ़ौज ने इस फैसले को टोटली नज़रअंदाज कर दिया। ये दिखाता यह है कि इसराइल में कानून की हुक्मरानी कितनी ज़्यादा कमज़ोर है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी फौज के गैर कानूनी अमाल को रोकने में नाकाम रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि इसराइल की फौज इंसानी हकूक़ की परवाह नहीं करती, वह अपनी ही अदालतों के फैसलों को भी नज़रअंदाज कर देती है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसराइल में फौज पर कोई एहतसाब नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बाज़ फौजियों ने इस अमल पर एतराज़ किया है, लेकिन अफसरान ने इसे जायज़ ठहराया है। उन्होंने बगैर किसी सबूत के दावा किया है कि ये कैदी दहशतगर्द थे, ना कि आम शहरी, लेकिन अक्सर उन्हें बाद में बगैर किसी इल्ज़ाम के रिहा कर दिया गया था। ये जाहिर करता है कि इसराइली फौज जानती थी कि ये बेगुनाह शहरियों का इस्तेमाल कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। इससे ये भी जाहिर होता है कि इसराइल किसी तरह तमाम फलस्तीनियों को मुजरिम समझता है, चाहे उनके खिलाफ कोई सबूत हो या ना हो। आपने बिल्कुल सही कहा, और अगर हम एक मिनट के लिए उनकी बात को सच भी मान लेते हैं इसराइल की कि ये दहशतगर्द थे, तो जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक कैदियों के भी हकूक होते हैं और चाहे वो दहशतगर्द ही क्यों ना हो, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज ह्यूमन शील्ड्स। तो ये तमाम ये जो मामला है ये इसराइल के इस दावे को बिल्कुल झूठा साबित कर देता है कि इसराइल की जो फौज है वो उसके अंदर कोई अखलाकियात हैं। और नाज़रीन, हकीकत ये है कि वो बेगुनाह शहरियों को ख़तरे में डाल रहे हैं ताकि वो अपने फौजियों की ज़िंदगियों को बचा सकें। ये एक इंतहाई सख्त जंगी जुर्म है और इस पर आलमी सतह पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ इसराइल को जो एक फ्री पास बाकी मामलों पर भी मिला हुआ है, तो यहाँ भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस पर बैनुल अक़वामी जो बरादरी है इस पर उनके कोई
लास्ट वीक ही उन्होंने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को अटैक किया है और हमें कोई खास रद्द अमल देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ जब ही हो सकता है जब आपको एक इंतहाई प्रॉपर यकीन हो गया जी हमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता, और इसराइल को इस वक्त यही है। और नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली ये बैन अल-अक़वामी बरादरी की इंतहाई बड़ी नाकामी है कि वो इसराइल को उसके अमाल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती, और अगर कोई और मुल्क ऐसा करता है तो उस पर सख्त पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। मुझे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, ये एक किस्म की दोहरा मेयार है, और इसराइल को बार बार माफ़ किया जाता है जबकि दूसरे मुल्कों को उनसे कहीं कम जराइम पर बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। और ये अब वक्त है कि दुनिया की आँखें खुलें और वो इसराइल को उनके ज़ालिमाना अमाल को रोकने के लिए ठोस इकदाम करें। हमें उम्मीद, मतलब ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जो है जो हालात हैं उम्मीद बहुत कम है, लेकिन आप एक एट द सेम टाइम चले हम उम्मीद कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट इस समय में एक कदम साबित होगी, क्योंकि एक चले पॉजिटिव बात ये कि जहाँ पे जो वेस्टर्न मीडिया उसका इतना शर्मनाक किरदार रहा है कि किस तरह उन्होंने इसराइल को कवर दिया है उनके तमाम जंगी जराइम पर, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से तो कोई हकायक सामने आए कि इसराइल ने किस कदर संगीन खिलाफ वर्जियाँ किए ह्यूमन राइट्स की। आई थिंक मोइज़ आपने बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल ये पॉइंट नोट किया है, क्योंकि यहाँ पे हम नाज़रीन को बताते चलें कि हर खबर को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया उस वक्त पर नहीं है कि जहाँ खबर तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती थी, किसी खबर का पब्लिश हो जाना मतलब लाजमी वो सच होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी खबर किस कॉन्टेक्स्ट में पब्लिश हो रही है। अब ये देखना कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये इन्वेस्टिगेशन की है तो के कई एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि क्योंकि मोइज़ हम और आप ज़रूर जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक ज़ायनिस्ट अदारा है जो टोटली इसराइल को सपोर्ट करता है, प्रो इसराइल है, एंटी इसराइल हेडलाइन तक कभी उन्होंने पब्लिश नहीं की, तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लेना इसको ज़रूर हमें शक की निगाह से देखना चाहिए, इन द सेंस के ज़रूर ये इशू बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, दिस इज़ प्रॉब्ली जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उन्हें कोई 7 फौजी मिल गए जिन्होंने मान ली ये बात, लेकिन उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इससे कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई, विच आई फाइंड वेरी हार्ड टू बिलीव कि आप ह्यूमन शील्ड्स बना के मासूम लोगों को आप भेज रहे हैं कि जाओ वो कमरा चेक करके आओ, वहाँ बम तो नहीं है, और आप वेट कर रहे हैं कि अगर वो फट जाए उस बम में तो आपका आपकी किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है। अगर इस नज़रिए से आप अपने प्रिजनर्स को डील कर रहे हैं देन आई हाईली डाउट कि इनमें कोई कैजुअलिटीज नहीं है। मज़े का खेज दावा है कि इसमें कोई कैजुअलिटीज नहीं है, इसका मतलब मैं तो एक इंसान जो ये मान ही नहीं सकता कि जहाँ इसराइली फौजों ने जो फ़िलिस्तीनियों के साथ असमत दरी से लेके हर तरह के संगीन तरीन क्राइम्स किए, तो इतने बड़े ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन में कैसे कोई कैजुअलिटी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, और वो जो आपने बात की ना कि बड़े बड़े मुल्कों के साथ मतलब छोटे कामों पर भी बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और इसराइल के लिए नहीं है, ये भी जानना जरूरत, ईरान के साथ बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। यूके ने इनफैक्ट ईरान के कई टॉप ऑफिशल्स को बैन कर दिया, उन पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो ये देखते हुए एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ पूरी दुनिया उसको हमला आवर है, हालांकि ईरान के किसी भी एयर स्ट्राइक से या इवन हिज़्बुल्लाह के किसी भी एयर स्ट्राइक से अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हुई भी नहीं। ईरान की जो कौमी एयरलाइन है उन पर पाबंदी लग चुकी है टू ऑपरेट टू यूरोप उन पर, क्योंकि महज एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह के लिए जो ईरान एयर के जहाज़ हैं वो असले की जो है ना सप्लाई में इस्तेमाल हुए हैं। एग्जैक्टली, और ये वही दोहरी मयार की एक्सटेंशन है ना कि आप ईरान को इतना ज़्यादा सेंक्शन करना चाहते हैं कि सफ़ाई हस्ती से उसका नाम मिट जाए और इसराइल किसी का भी किसी भी मुल्क को मिटा दे, किसी की भी सॉवरेंटी पामाल करके घुस जाए अंदर फौजें लेके, किसी किस्म की रोकथाम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ नाज़रीन को बताते चलें कि 1940s में हैरी एस ट्रूमन जो अमेरिका के सदर थे उन्होंने एक ख़त में लिखा था कि उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारे से डर लगता है, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ज़ायनिस्ट पावर को और उसके इन्फ्लुएंस की हदूद की काफ़ी ज़्यादा अकासी करता है कि एक सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क टाइम्स से डर रहा है कि कहीं वो एक एंटी इजरायली बात ना कर दे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना आ जाए। आई थिंक ये एक इंतहाई अलमनाक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि गजा और पूरे खत्ते में इसराइल की जानब से किया है, और जब तक ये बात हम रोज़ कहते हैं और ये हम आगे करते रहेंगे, ये वाकयात जो सिर्फ उस वक्त ही जाकर रुकेंगे जब बैन अल-अक़वामी इसराइल को अकाउंटेबल होल्ड करें, और अब इसकी शिद्दत से ज़रूरत है कि इस अमल को बढ़ाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल वहाँ से ना ज़ीरो, हाँ वहाँ की अक़वाम जो है वेस्टर्न उनमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस इस हवाले से बढ़ी है कि इसराइल को रोका जाए, बट बिल्कुल अब वी मस्ट होप के इस पर जो है बैन अल-अक़वामी बरादरी आँखें खोलेगी और इसराइल के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करेगी।
नाज़रीन इस उम्मीद के साथ कि फ़लस्तीन के आवाम और वहाँ पर जो बेगुनाह लोग हैं वो एक आज़ाद फ़िज़ा में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। यह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म, आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।